हमारे देश में पुलिस की वर्दी का रंग खाकी होता है, ये तो हम सभी लोगों ने देखा है। लेकिन अगर आप कोलकाता गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ की पुलिस सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने हुए रहती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब देश भर की पुलिस खाकी रंग की वर्दी पहनती है तो कोलकाता पुलिस सफ़ेद वर्दी क्यों पहनती है? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कोलकाता पुलिस सफ़ेद वर्दी क्यों पहनती है। नमस्ते, मेरा नाम है सुरभि और आप देखना शुरू कर चुके हैं dilladi.com। खाकी वर्दी और सफ़ेद वर्दी अंग्रेजों के ज़माने से ही चली आ रही है। ब्रिटिश राज में जब पुलिस का गठन हुआ था तब उनकी पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती थी, लेकिन ज़्यादा देर तक ड्यूटी करने के दौरान वो जल्दी ही गंदी भी हो जाती थी। इस कारण पुलिस कर्मियों ने वर्दी को जल्दी गंदा होने से बचाने के लिए उससे अलग अलग रंगों से रंगना शुरू कर दिया। सफ़ेद रंग की वर्दी पर अलग अलग रंग लगाने की वजह से जवानों की यूनिफॉर्म अलग अलग रंगों की दिखने लगती थी। ऐसे में यह पहचानना मुश्किल हो जाता था कि वो शख्स पुलिस का ही जवान है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए अंग्रेज अफसरों ने खाकी रंग की वर्दी बनवाई ताकि वो जल्दी गंदा ना हो। साल 1847 में अंग्रेज अफसर सर हैरी लम्सडेन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर खाकी रंग की वर्दी को अपनाया था। तब से यही खाकी भारतीय पुलिस की वर्दी बन गई जो अब तक चली आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में पुलिस खाकी वर्दी ही पहनती है, लेकिन वहीं की कोलकाता पुलिस सफ़ेद। उस समय कोलकाता पुलिस को भी खाकी रंग की वर्दी पहनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे खारिज कर दिया था। इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि कोलकाता तटीय इलाका और यहाँ काफ़ी गर्मी और नरमी रहती है, ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सफ़ेद रंग ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस रंग में सूरज की रोशनी परिवर्तित हो जाती है और ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि हम ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लेकर आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।